ये रामलला की झलक, ये वो विग्रह जो अब पूरी तरीके से जीवंत तो हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जाता है वो शक्ति विराजमान हो जाती है और उनके सामने खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ ही उनका वो 11 दिन का कठिन एकादश व्रत भी आज पूर्ण हुआ, वो संकल्प भी पूर्ण हुआ। एक वो तस्वीर थी जब रामलला टेंट में थे और आज जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो प्रचारक हुआ करते थे, वहां पहुंचे थे, दूसरी तरफ खड़े हैं मुरली मनोहर जोशी और वही उसी दिन संकल्प लिया था कि अगली बार अयोध्या आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा, और आज वो संकल्प पूर्ण हुआ है। गर्भगृह से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, भव्य दर्शन रामलला के, वो विग्रह जो प्रतिमा बहुत दिनों से चर्चा में थी आज पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ पूरी दुनिया के सामने है। और उस वक्त वहां पर शहनाई बजाई जा रही है और उस शहनाई में जो धूम चल रही है उसके बोल हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, जो लोग वहां उपस्थित हैं, देखिए किस तरह हाथ जोड़कर खड़े हैं सभी। जब बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की होती है, जब बात सर्वशक्तिमान और ईश्वर की होती है, तो उनके सामने सभी नतमस्तक होते हैं, भक्ति भाव और श्रद्धा भाव में अपना सर झुकाते हैं, शीश नवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अब से थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर देखी होगी जब हाथों में छत्र लेकर वो आए थे, गर्भगृह में पूजा संपन्न हुई, अनुष्ठान पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठित हो गए और अब आप ये लाइव तस्वीर वहां से देख रहे हैं। और जितने लोग टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, उनके लिए भी खुद प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके हैं कि आप भी घर में ऐसा कर सकते हैं, जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा चल रही है उस वक्त आप अपने घर में श्री राम नाम जप सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप भी भोग लगा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और श्री राम की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उनका जो प्रिय प्रसाद है या जो मिष्ठान उन्हें पसंद है वो मिष्ठान है जो दूध से बने होते हैं। रबड़ी का भोग लगाया जाता है। अपने अस्थायी मंदिर में जब रामलला विराजमान थे तो रोजाना रबड़ी का भोग उन्हें लगाया जाता रहा और आज स्थायी मंदिर में है तो आज भी उन्हें भोग लगाया जाएगा। और यही काम आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीर है रामलला के दर्शन लाइव आप देख रहे हैं गर्भगृह से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रचारक मोहन भागवत और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, हो गया श्री राम का निवास अब इस विग्रह में जो हमेशा हमेशा के लिए अपने स्थायी मंदिर में विराजमान हो चुका है, जीवंत तो हो चुका है और जिसकी एक झलक पाने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग उत्सुक और आतुर बैठे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ रामलला विराजमान जीवंत प्रतिमा, वो नवीन विग्रह जिसकी चर्चा की जा रही थी वो पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ आपके सामने है। चेहरे पे है एक बाल मुस्कान, एक 5 साल के बच्चे की जो मुस्कान होती है उसके भीतर जो एक मर्यादा होती है, एक संवेदना होती है और एक तरह का भोलापन होता है, उस मुस्कान के साथ, उस निश्चल भाव के साथ प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी संयम नहीं खोया, कभी मर्यादा नहीं खोई, लोगों को सही रास्ता दिखाया, वो संस्कार दिखाया, वो जीवन जिया जिससे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उदाहरण के तौर पर उनके साथ जुड़ते हैं, वही रामलला, वही प्रभु श्री राम अब प्रकट हो चुके हैं। सूर्यवंशी राजकुमार, अयोध्या के सम्राट प्रभु श्री राम और उनकी ये नवीनतम विग्रह प्राण प्रतिष्ठित इस वक्त आपके सामने है। इतना भव्य श्रृंगार आप देखिए किया गया है, दूर दराज देश विदेशों से भक्तों ने श्रद्धा भाव से उनके लिए श्रृंगार अस्त्र शस्त्र पूजन भाव से भिजवाए हैं जिनसे उनका ये भव्य श्रृंगार किया गया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी चरण पूजन कर रहे हैं, रामलला के प्रथम दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान था वो संपूर्ण हुआ, आंखों की पट्टी खुली और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो अपने हाथों से आंखों में काजल लगाएंगे, एक आईना दिखाएंगे और उसके बाद रामलला को भोग लगाया जाएगा, उनको अर्पित किए जाएंगी वो चीजें जो कि बाल स्वरूप में मौजूद ईश्वर की प्रिय हैं, दूर दराज से लोगों ने भेजी है और अपने साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी एक चांदी का छत्र लेकर आए थे जिन्हें आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। अब यही सब कुछ विग्रह के समीप आपको दिखाई दे रहा है और हमारे साथ संत समाज से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अब प्राण प्रतिष्ठित हो गया है, अब यहाँ पर किस तरह के संस्कार जो है वो किए जा रहे हैं,
कौन से रीति रिवाज इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। ये विग्रह जीवंत है, प्रथम दर्शन है रामलला के। जय श्री राम। अब प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप में मंदिर में हो गया है जी, और इसके बाद अब भगवान को धूप दीप नैवेद्य और अनेक प्रकार के पकवान भोग लगा करके भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो क्या 56 भोग भी लगेगा? 56 भोग लगेगा और दिव्य उनका पूजन अर्चना होगा और सभी राम भक्त प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे। जिस प्रकार से ऐसे भाव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की प्रार्थना करने मात्र से आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य हम, जिनके दर्शन मात्र से मंगलाचरण करने से तीनों प्रकार के आपदा समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से सभी राम प्रेमी जितने राम भक्त हैं सब लोग पूजन अर्चना करेंगे और अपने जीवन का मंगल कामना का प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल। और कल का दिन जब से आम लोग भी इस विग्रह का दर्शन कर पाएंगे, और फिलहाल गर्भगृह से ये लाइव तस्वीरें सामने, प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद संपूर्ण श्रृंगार दर्शन सबके सामने है और अब धूप दीप नैवेद्य पंचमेवा फलों का भोग लगाया जा रहा है। और ये देखिए पुष्प वर्षा, अयोध्या के आसमान में पुष्प वर्षा राम की पैड़ी पर हमारी मौजूदगी है और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रहे हैं और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य राम मंदिर के भी ऊपर होगी। बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त अयोध्या के आसमान में आप देख रहे हैं। राम की पैड़ी वो जगह जहाँ सरयू का किनारा है, जहाँ राम की पैड़ी पर सरयू की नहर बहती है, यहीं पर हम सब लोगों की मौजूदगी है और यहीं से ही हम अपनी अखंड और भव्य कवरेज कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की गई है इस वक्त राम की पैड़ी पर और इस वक्त फूलों की बारिश आसमान से सबके ऊपर हो रही है और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य मंदिर पर भी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त राम की पैड़ी पर, दो हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की है। रामलला आ गए हैं, बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि रामलला आ रहे हैं, अब आ गए हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। इस प्रकार से उत्साह अयोध्या वासी और सभी सनातनी प्रभु श्री राम के प्रेमी चरणानुरागियों के अंदर ये उत्साह बना हुआ है। जिस प्रकार से 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या में आ रहे थे, 14 वर्ष वन के आगमन जब हो रहा था, सभी अयोध्या वासी जो उत्साहित थे, जैसे कि भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्ष के बाद एक भी क्षण, एक ही दिन अगर लेट होगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, आज वही उत्साह वही उमंग पूरे अयोध्या लोगों के अंदर हमें नजर आ रही है। और जब श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो वहां पर दीपावली मनाई गई थी और ऐसी ही भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। राम ज्योति जलाई जाएगी आज शाम को और उसके लिए बड़ी तैयारी अयोध्या में की गई है। घर घर लोग दीप जलाएंगे, व्यापारी दीप जलाएंगे और इतना ही नहीं राम की पैड़ी और सरयू घाट पर भी लाखों दीपक आज जगमग होंगे। एक दिवाली है, 22 जनवरी की ये तारीख अब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। 500 साल का संघर्ष और संकल्प आज पूर्ण हुआ, ये दिवाली कितनी खास। ये जो आज का दीपोत्सव है यह अमृत है और तारीखें बदल सकती हैं और तिथियां बदल सकती हैं, लेकिन आज की तारीख, आज की तिथि कभी बदलेगी नहीं। और भगवान आ गए हैं तो एक मंत्र के साथ भगवान को प्रणाम करना चाहूँगा। नमो सनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादा शिशिरोर्वाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन में समाये हैं। बिल्कुल। और उनका खास श्रृंगार अगर हम देखें, आपको टीवी पर दिख रहा होगा, शुरुआत तिलक से ही कर लेते हैं, विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम के स्वामी, इसको कैसे समझाएंगे आप? समझिए बात को, जो स्वयं लक्ष्मी के स्वामी हो उनका श्रृंगार कितना अद्भुत हो सकता है आप सोच सकते हैं। जो स्वयं जगत के मालिक हो उनका श्रृंगार कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। ये तो केवल क्षण मात्र है कि हम सबका इतना सामर्थ्य नहीं कि उनको कुछ दे सके, फिर भी लोगों ने उनके ननिहाल से, भगवान के ननिहाल से, भगवान की ससुराल से, भगवान के मौसी के घर से, सबके घर से नाना प्रकार की भेंट, दसों दिशाओं से श्री राम को श्रद्धा भाव से बहुत कुछ लोगों ने अर्पित किया है और भविष्य में भी अब लोगों के आने का सिलसिला यहाँ बढ़ेगा क्योंकि श्रद्धा भाव सबके अंदर है। आज का वो दिन जब हर कोई चाहता था उसकी मौजूदगी हो लेकिन संभव नहीं है, तो कल यानी 23 तारीख से लोगों का आना शुरू हो जाएगा। श्याम वन श्यामल प्रतिमा है ये, और इसकी चर्चा भी हो रही थी कि ये जो नवीन विग्रह है वो श्यामल रंग का होगा। श्री राम के स्वरूप की जब कल्पना की जाती है और जब इस विग्रह को देखा जाता है, इसको कैसे आप समझाएंगे?
मंत्रोच्चारण के माध्यम से भी कोई संदर्भ यदि आप व्यक्त करना चाहें। जैसे